इस मॉड्यूल में हम प्रोटोजोआ सिंबायोटिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स यूनिसेलुलर इनके अंदर सबसे सिंपलेस्ट लाइफ जो है वो मौजूद है प्रोटोजोआ जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी हिस्टोरिकली प्रोटोजवास जो हैं सबसे एंशंट एनिमल्स हैं इनके अंदर एनिमल लाइक बिहेवियर मोटिलिटी प्रिडेशन लैक ऑफ सेल वॉल जो हैं ये सारे फीचर्स मौजूद हैं और कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर सिम्बायोटिक लाइफ स्टाइल्स भी हैं अब सिम्बायोटिक लाइफ स्टाइल क्या हैं उसके लिए हमें सबसे पहले सिम्बायोसिस को समझने की ज़रूरत है सिम्बायोसिस दिस इज नथिंग बट एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम अब सिम्बायोसिस जो है ये पैरासिटिज्म की शक्ल भी हो सकती है इसके अंदर क्या होगा पैरासिटिज़म क्या है एक एसोसिएशन है बिटवीन टू ऑर्गेनिज़म जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के बिहाफ़ पे ज़िंदा रहता है यानी अगर उसको जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा वो उसका होस्ट होगा और जो अंदर रहेगा वो उसका पैरासाइट होगा जब तक होस्ट अवेलेबल नहीं है पैरासाइट भी जिंदा नहीं रह सकता अब होस्ट जो है नॉर्मली जो पैरासाइट्स हैं ये होस्ट को हार्म करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके अंदर होस्ट नॉर्मली पैरासाइट्स अपनी एक या दो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे देन दे नॉर्मली लीव द होस्ट और ये रिलेशनशिप जो है दिस इज़ नॉट अ सिंपल वन बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन और कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा होस्ट हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपल होस्ट यानी उनको अपना इवन लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए भी टू होस रिक्वायर्ड होते अब इस तरह के जो होस हैं ये क्या, ये क्या क्या हो सकते हैं डेफिनेटिव होस भी हो सकते हैं ये डेफिनेटिव होस वो होंगे जिनके अंदर पैरासाइट अपनी लाइफ की सेक्शुअल स्टेजेस को कम्प्लीट करेंगे और इंटरमीडिएट होस्ट वो होंगे जो कि इसके अंदर ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल स्टेजेस के बाद एंटर होंगे और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ पीरियड जो हैं वो इनके अंदर गुजारा करें इसके अंदर इंटरमीडिएट के होस्ट के अंदर नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होगी वो ए सेक्शुअल है और कुछ लाइफ साइकिल्स जो हैं दे नॉर्मली रिक्वायर मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट एंड मोर देन वन इमेचोर स्टेजेस अब जो फाइनल ए स्टेज है इसके बाद डेफिनेटिव होस्ट की स्टेज आएगी और पैरासाइट जो है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा नेक्स्ट है कमेंसलिज्म पैरासाइट्स के बाद जो अगला रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स उसको हम कहेंगे कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म में क्या है कि ना ही दोनों ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे से बेनिफिट लेंगे नीदर दे आर बेनिफिटेड नियर दे आर हार्मफुल टू ईच अदर और म्यूचुअलिज्म क्या है इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट लेंगे इस स्लाइड में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जुगलिना जो है इसकी एक्सीलेंट एग्जाम्पल है लॉन्गीडनल केस में आप देखें कि जुगलिना एनिमल आस्ता आहिस्ता इसका साइज बड़ा हुआ यहाँ पर एक एनिमल जो है लॉन्गी दो एनिमल्स में डिवाइड हो गया तो सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गील एक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजवा अब अनदर जो है एग्ज़ाम्पल वो है ट्रांसवर्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसके लिए एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल है ये पैरामीशियम की बात हमने की थी माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस की माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो वेजिटेटिव है और माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये रिप्रोडक्टिव है माइक्रोन्यूक्लियस भी एक से दो में डिवाइड हुए और ट्रांसवर्सली एनिमल्स जो है जो न्यूली फॉर्म्ड इसके अंदर एक ग्रूफ डिवेलप हुआ इस ग्रूफ के थ्रू एनिमल्स एक से दो में डिवाइड हो गए और जो माइक्रोन्यूक्लियस था हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक uh, न्यूक्लियस और वो ट्रांसफ़र शिफ्ट हो गया अब जो नए बनने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं इनको हम कहेंगे न्यूली फॉर्म्ड डाटर पैरामीशिया और ये जो था ये एक अडल्ट पैरामीशियम से दो नए जो डाटर पैरामीशियम बने दे आर रिवीलिंग एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ Transverse asexual reproduction in protozoa